हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 2 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स जीके। साथियों, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से हम बात करते हैं। कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात भारत देश में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 45 वर्ष, ऑप्शन डी 55 वर्ष। साथियों, भारत में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन 45 वर्ष बाद किया जाएगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 वर्ष। यह जो कार्यक्रम है, विश्व उत्पादकता कांग्रेस जो है, इसका आयोजन 1969 में शुरू हुआ था और भारत में पहली बार 1974 में इसका आयोजन किया गया था। इस बार जो इसका आयोजन है वो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में 6 मई 2020 से 8 मई 2020 तक किया जाएगा। जो विश्व उत्पादकता कांग्रेस जो है उसका आयोजन करता है वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इनमें से अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ऑप्शन ए एलिना जेम्स, ऑप्शन बी कीर्ति अग्रवाल, ऑप्शन सी क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन डी मूसी क्लार्क। साथियों, नासा की अंतरिक्ष यात्री तथा फ्लाइट इंजीनियर क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिस्टीना कोच। साथियों, यह अपनी 290 दिन तक अंतरिक्ष में रही, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में आईएसएस में 290 दिनों तक रहने का इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है और यह नासा की अंतरिक्ष यात्री तथा फ्लाइट इंजीनियर है और यह अभी हाल ही में फरवरी 2020 में पृथ्वी पर वापस लौटी है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वह रिकॉर्ड पेगी मैरी के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या थर्ड। किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्रकूट। ये जो एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसकी लंबाई है 296 किलोमीटर और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 कृषक उत्पादन संगठन भी लॉन्च किए थे बुंदेलखंड में। बात की जाए यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी बुंदेलखंड में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी झांसी में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में और क्या किया, इसके अलावा प्रयागराज में अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपकरण भी प्रदान किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट,
राजस्थान राज्य के किस जिले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी कोटा में और ऑप्शन डी उदयपुर में। साथियों बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर जो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं वो ओम बिरला है और उन्होंने सुपोषित माँ अभियान कोटा से शुरू किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर कोटा। कोटा की बात की जाए तो कोटा राजस्थान राज्य का एक जिला है जिसे शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, एजुकेशन सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो राजस्थान है वहाँ के मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत जी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल में। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन से शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल से, और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, मोहिद्दीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मलेशिया का, ऑप्शन बी कतर का, ऑप्शन सी अफगानिस्तान का, ऑप्शन डी सऊदी अरब का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मलेशिया का प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, किस राज्य सरकार ने पालतू जानवरों की मूल प्रजातियों के संरक्षण के लिए आनुवंशिक अध्ययन करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है उसने पालतू जानवरों की मूल प्रजातियों के संरक्षण के लिए आनुवंशिक अध्ययन करने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, शताब्दी स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन ए सुधाकर कृष्ण राव, ऑप्शन बी कपाली शास्त्री, ऑप्शन सी शारदा देवी, ऑप्शन डी रामेश्वर शर्मा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुधाकर कृष्ण राव। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च की वार्षिक आम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी जयपुर में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। और साथियों यह है 91वीं बैठक थी, 91 बैठक थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक आम बैठक जो होती है वह यह 91वीं बैठक थी। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज का करंट अफेयर्स जीके जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।